सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी खट्टा होना का सही अर्थ है ए निराश होना, बी दुखी होना, सी चिंता करना, डी कामचोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए निराश होना। अगला प्रश्न है, महोग में कौन सी संधि है ए यण संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी अयादि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, अंत का अनेकार्थी शब्द है ए सिरा, बी अटल, सी अंश, डी विपत्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सिरा। अगला प्रश्न है, अणु अणु का श्रुति संभिनार्थक शब्द कौन सा है ए समाप्त उत्पत्ति, बी कमल बादल, सी सूक्ष्म कण पीछे, डी भोजन फेंकना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सूक्ष्म कण पीछे। अगला प्रश्न है, वणिक का तद्भव शब्द कौन सा है ए बनिया, बी व्यापार, सी व्यापारी, डी श्रेष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बनिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुढ़न का सही पर्यायवाची शब्द है ए झल्लाना, बी जानलेवा, सी खीज, डी गुस्सा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी खीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है ए चंपा, बी चरित्र, सी चंपई, डी जल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी चंपई। अगला प्रश्न है, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग के लिए एक शब्द है ए आधिभौतिक, बी आत्मोत्सर्ग, सी आद्योपांत, डी आधिदैविक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आत्मोत्सर्ग। अगला प्रश्न है, मंद का विलोम होगा ए गति, बी तीव्रता, सी धीमा, डी द्रुत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी द्रुत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है ए अभिमान, बी परिचय, सी अभिमान, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अभिमान। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पुस्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा ए किताब, बी पुस्तक, सी पोथी, डी कॉपी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।